गुड इवनिंग दोस्तों सभी को, जय हिंद जय भारत। सावन स्टूडेंट गोविंदगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, आज का जो अपनी क्लास होगी वो किस पर होगी, परसेंटेज पर बेस होगी और ये शायद अपनी दोस्तों फिफ्थ क्लास होगी। चार क्लास अपने पहले डाल चुके हैं। दोस्तों कुछ छात्रों के कमेंट थे, कुछ दोस्तों के कमेंट थे कि सर आप जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाए थे वो दोस्तों ऑप्शन से हमने क्वेश्चन करना सीखा था, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर परसेंटेज के जो लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं, प्रतिशत के जो दो सर भाषा वाले सवाल होते हैं, क्या उनको हम ऑप्शन से कर सकते हैं क्या? परसेंटेज में जो लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं क्या उनको हम ऑप्शन से कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों आज जो अपनी क्लास होने वाली है वो परसेंटेज की होने वाली है, जिसमें हम वो क्वेश्चन लेने वाले हैं जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये नहीं हम की शुरुआत से कर रहे, नहीं, हम वो ही क्वेश्चन लेंगे जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। लेकिन कौन से सवाल होंगे? लैंग्वेज वाले सवाल होंगे, भाषा वाले सवाल होंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, बड़ा मजा आने वाला है। लैंग्वेज वाले सवालों का हम मेथड से भी करेंगे और फिर ऑप्शन से भी करना सिखाएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। आज बहुत कुछ होने वाला, शानदार क्लास होने वाली है आज, प्रतिशत की बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। शुरुआत करते हैं प्रतिशत से, और आज के जो क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे भाषा वाले क्वेश्चन होंगे। दोस्तों एक छोटी सी और बात बता दें कि जो लैंग्वेज वाले सवाल है दोस्तों, पूरा जो सवाल है वो बोर्ड पे लिखना पड़ता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि एक सवाल दिया हुआ है, लैंग्वेज का सवाल है, लैंग्वेज अपन लिख देते हैं। कि क्वेश्चन है कि ए का 20%, ए का 20% बराबर दे रखा है बी का 50%। किसके बराबर दे रखा है? बी का 50% हो तो, 50% हो तो बी ए का कितने प्रतिशत है? तो क्या दे रखा है? बी ए का कितने प्रतिशत है? बी ए का कितने प्रतिशत है? चार ऑप्शन अपने सामने दे रखे हैं दोस्तों, कितने परसेंट है। ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 25%, और ऑप्शन डी दोस्तों हमको दे रखा है 15%। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को लैंग्वेज वाला सवाल है, पहले पर देखते हैं एक बार मेथड क्या होगा। का मतलब गुणा होता है, उसने दे रखा है ए का 20% बराबर है बी के 50% से। इसका मतलब ये हुआ ए का 20% और बराबर किसके है? बी के 50% के बराबर है। अब यहां से हम ए और बी के मान निकालेंगे अनुपातों के रूप में। हमें पता है 100 से क्या कट जाएगा, 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, ए ये क्या गया 2a, इधर क्या बचा 5b। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी ऐसा हो तो a का मान वो होगा जो b के साथ गुना है, और b का मान वो होगा जो a के साथ गुना है। इसका मतलब a का मान कितना आ गया 5, और b का मान कितना आ गया दोस्तों 2। a का मान कितना आ गया 5 और b का मान कितना आ गया 2। अब हमसे लास्ट सवाल में क्या पूछ रहा है कि b a का, दोस्तों जिसका पूछे ना, जिसके साथ का लगा हो उसको रखते हैं हमेशा नीचे। किसका पूछ रहा है? बी, बी कितना है 2, ठीक है रखा 2। किसका? ए का, ए कितना है 5, कितने प्रतिशत होगा? 5 से कितनी बार कट जाएगा ये 20, 20 × 100 और 20 × 40, उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों 40%। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा ऑप्शन 40%। सवाल में क्या था एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, उसने दे रखा था ए का जो 20% है, ए का जो 20% है वो बी के 50% के बराबर है। हमने ए और बी के मान अनुपात में निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, फिर हमसे पूछ रहा है कि बी ए का, ये जो बी है वो ए का कितने प्रतिशत है? जिसका पूछे उसको नीचे रखो, जिसके साथ पूछ रहा है उसको कहां रखो? ऊपर रखो। अगर सवाल ये होता है यहां से कि ए बी का कितने परसेंट होता, तो ए को कहां रखते ऊपर और बी को कहां रखते नीचे। अब दोस्तों ये तो हो गया अपना मेथड, अब एक बार देखते हो ऑप्शन से कैसे होता। हमें ये निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम देखते हैं कि भाई जब ए का 20% है, परसेंटेज कटेगी, एक जीरो कटेगी। हमें पता लग गया ए का मान कितना है 5 और बी का मान कितना है 2। ए का मान 5, बी का मान 2, डायरेक्ट सवाल के एंड तक पहुंचो। बी ए का, बी का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 5 और गुणा 100, कितनी बार 20 और 20 दोनों 40, डायरेक्ट कितने परसेंट आ जाता दोस्तों 40% आ जाता।
ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जहां हम अपना समय बचा सकते हैं, ये बिल्कुल समझने वाली चीज है जहां हमारा बहुत अधिक समय बचने वाला है। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल का ना, फिर चलते हैं सेकंड सवाल पे। देखो दिख रहा है सही? हाँ बिल्कुल शानदार दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। लैंग्वेज वाला सवाल ही लेते हैं। चलो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो चलते हैं अगले सवाल। आज सारे लैंग्वेज वाले भाषा वाले सवाल अपन लेने वाले हैं, बहुत शानदार शानदार सवाल आने वाले हैं। ये तो पहला सवाल था इसलिए बिल्कुल इजी था, सेकंड सवाल इससे मिलता जुलता है, देखते हैं कितने कर पाते हैं। इससे मिलता जुलता सवाल एक और लेते हैं। अब तीन का दे दिया हमको, तीन का दे दिया है। क्वेश्चन है एक ही आय का, क्वेश्चन है एक ही आय का 10% बराबर दे रखा है बी की आय का 15%, बी की आय का 15% और बराबर दे रखा है सी की आय का, सी की आय का 20% हो, और कुल आय जो दे रखी है तीनों की, और कुल आय दे रखी है हमको 7800 हो, तो बी की आय ज्ञात करो, हो तो बी की आय ज्ञात करो। हमसे किसकी आय पूछ रहा है दोस्तों? बी की आय पूछ रहा है। ऑप्शन हमारे सामने दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 3600, ऑप्शन बी है 3000, ऑप्शन सी है 2400 और ऑप्शन डी दे रखा है दोस्तों 1800, ऑप्शन डी दे रखा है 1800। ठीक है, अब इस सवाल को करते हैं। एक बार हमको अब तीन दे दिए, ए की आय का 10% है, बी की आय का 15% है, सी की आय का 20% है। अब हम निकालते हैं तीनों के अनुपात। अनुपात निकालने से पहले दोस्तों एक तरीका ध्यान रखना, जो अनुपात सम अनुपात में पढ़ेंगे, यदि हमको ये दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3, समझा देते हैं, बी अनुपात सी हमको दिया हुआ है 4:5 और हमसे वो पूछ ले कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ, तो दोस्तों डायरेक्ट मत करना, तुमको इसको करने का तरीका बताते हैं। ए अनुपात बी कितना है? 2:3। ए अनुपात बी है 2:3, एक लाइन लिख दिया, सी को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बी अनुपात सी कितना? 4:5, बी के बी नीचे बी, सी के नीचे सी। अगली लाइन में बी अनुपात सी कितना? 4:5। ये तीनों का अनुपात निकालने का तरीका है, जो अनुपात समानुपात पढ़ेंगे उसमें और अच्छे समझाएंगे। जो खाली स्थान दिख रहा हो उसमें बगल वाली संख्या लिख दीजिए, यहाँ क्या जाएगा 3, इधर क्या जाएगा 4, 4 × 8, 4 × 12, 5 × 15, ये किस किस का अनुपात आ गया दोस्तों? ए बी और सी का अनुपात आ गया, अगर हमको अलग अलग अनुपात दे रखे हो। ध्यान ये रखना है बीच में वो अनुपात रखना है जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में कॉमन क्या है? बी। अब चलते हैं अपने सवाल पर, इस सवाल में किस तरीके के अनुपात दिए हुए हैं, एक बार इनको अनुपातों में बदलते हैं फिर सवाल को हल करते हैं। ए का 10% ए गुना 10/100, बी का 15% बी गुना 15/100 और सी का 20% सी गुना 20/100। ठीक है दोस्तों, अब एक बार अनुपात निकाल लेते हैं तीनों के, हम देखते हैं 100 से 100 कट जाएगा अगर ए और बी की बात करें तो, केवल ए और बी की। ठीक है, तो यहां से क्या आया, ए 10 और बी 15 काट दें, 5 × 10 और 5 × 15। मैंने क्या बताया था, जो संख्या बी के साथ गुना है वो किसका मान है? ए का, और जो संख्या ए के साथ गुना है वो किसका मान है? बी का। बताओ ए का मान कितना है? 3 और बी का मान कितना है? 2। ए का मान 3 इधर वाला, बी का मान 2। अब यही काम करते हैं बी और सी के साथ, चलो 2 × 0 से 2 × 0, 5 × 15, 5 × 20, बताओ बी का मान कितना है? बी का मान कितना होगा? 4 और सी का मान कितना होगा? 3। अब दोस्तों वही सवाल जो मैंने एग्जांपल बताया था, ए अनुपात बी का मान कितना है? 3:2, बी अनुपात सी का मान कितना है? 4:3। हमको क्या निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी, रखो ए अनुपात बी 3:2, बी अनुपात सी 4:3, क्या रखेंगे? 2 × 4, 4 × 12, 4 × 8, 3 × 6, ये आ गया हमारे पास ए बी सी तीनों के मान। हमसे किसकी आय कुल आय कितनी दे रखी है? 7800। कुल आय कितनी दे रखी है? 7800। अब करने का तरीका देखो, अनुपात हमारे पास तीन है, अनुपात क्या क्या आए हैं? 12:8:6, ये ए का आ गया, ठीक है, ये बी का आ गया, ये किसका आ गया? सी का आ गया। एक बार हटा दें, थोड़ा हटा देते हैं, ए बी और सी कितना आ गया? 12:8:6।
अब हमसे क्या पूछ रहा है, कुल आय 7800। अब एक बात बता, कुल आय अनुपात में कितनी है? सो तो छोड़ो, 12 8 20, 20 और 6 26, या कुल अनुपातों का योग कितना है? 26। अनुपातों का योग कितना हो गया? 26 12 8 20 और 26। अब जिसका अनुपात हमसे पूछे, बी का पूछ रहा है, बी की आय, बी का अनुपात कितना हमको दे रखा है? 8 बटे अनुपातों का योग कितना है? 26। और कुल आय कितनी है? 7800। ठीक है, 13 से काट लें, 13 2 26 78, कितना आ गया? 600। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 300। 8 3 24, तो कुल आय कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2400। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितनी आ जाएगी कुल आय हमारी? 2400 आ जाएगी। किसकी आय? बी की आय। ठीक है, अब एक काम और करते हैं दोस्तों, अगर इस सवाल को हम डायरेक्ट देखते, तो कैसे देखते, हमें पता लगता कि हमसे बी की आय पूछी जा रही है। किसकी आय पूछी जा रही है? बी की आय पूछी जा रही है। अगर हम यहां से देखें, ये ए की आय, ये बी की आय, तो बताओ बी की आय कौन सा होगा? यही होगा। काटने के बाद सीधा सीधा देखते हैं हम, 5 2 10 और 5 3 15, तो यहां से बी की आय कितनी आती? 2। उधर चलते हैं, इसको 3 को रहने दो, 2 को रहने दो। अब इन दोनों को काटते कितना काटता? ये तो 5 3 15, ये कितना काटता? 5 4 20। तो लगभग देखो बी की आय कितनी है हमारे अनुपात के रूप में? 3 है ना, तो इन तीनों का अनुपात यहां तक निकाल लेते, 12 8 6। अब एक बात बताओ, जब वो बी की आय हमको ऑप्शन में दे रखी है, तो ये निश्चित है कि जो बी की आय होगी वो बी के अनुपात से कटेगी। सीधी सीधी कटेगी या नहीं कटेगी? अगर जो बी की आय होगी वो बी के अनुपात से कटेगी। अब एग्जामिनर दिमाग कहां लगाता है? बी की आय इनमें से चारों में दे रखी है, बी का अनुपात कितना है? 8। 8 से कट रहा है, 8 से अनुपात, भाजकता का नियम जिन्होंने नहीं पढ़ा बता दिया था, कितनी बार दें? 800 को 32, कितना बचेगा? 4 0 40, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा था, 2400 भी कट रहा था, इसलिए उसने क्या किया, चार अनुपात समान दे दिए। तो थोड़ा सा हमको ये दिमाग लगाना है कि बी की आय दे रखी है, बी का अनुपात है 8, अनुपातों का योग है 26, कुल आय 7800, तो बी की आय कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2400 आ जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर चलते हैं अगले सवाल पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, बहुत शानदार सवाल है, आया हुआ सवाल है परीक्षा। चल दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, आज लैंग्वेज वाले सवाल कराएंगे, बहुत जल्दी जल्दी सवाल करवाएंगे लैंग्वेज वाले आज सवाल जो करने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत शानदार सवाल है। यदि एक्स वाई से 20% कम हो, तो वाई माइनस एक्स बटे वाई और एक्स बटे एक्स माइनस वाई का मान कितना होगा? ऑप्शन एक बार लिख देते हैं हम, ऑप्शन ए 1/5 या -4, ऑप्शन बी 5 -1/4, ऑप्शन सी 2/5 -5/2 और ऑप्शन डी है 3/5 या -5/3। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं एक्स वाई से कितना कम है, 20% कम है। आप यहां एक्स मतलब एक्स मान के करना ही नहीं सवाल, हमको मानना 100। एक्स किससे कम है? वाई से। कितना कम है? 20। अगर मैं कहूं वाई 20 है तो एक्स कितना है? नहीं, वाई 100 है तो एक्स कितना है? 80 हो गया, नहीं होगा बताओ। एक्स है जो वाई से कम है, 20 कम है, यदि वाई 100 है तो एक्स कितना है? 80 है। अब पूरी संख्या क्यों लेकर चले, अनुपात ही बना लेना, 2 0 से 2 0, 2 5 10 और 2 4 8, इसका मतलब वाई का मान 5 और एक्स का मान 4 रख दो, पूरे में मत रखो, तब तुम पूरे में रखने लग जाओ, नहीं केवल एक में रख लो, एक से ही उत्तर मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, रखो एक में, एक्स का मान 4 वाई का मान 5, वाई का मान क्या रखेंगे? 5 5 माइनस 4 5 माइनस 4, बटे में वाई का मान कितना है? 4, कितना आया? 1/4, हमने एक अनुपात देख लिया, नहीं वाई का मान 5 है, वाई का मान 5, इधर भी कितना जाएगा? 5, तो कितना आया? 1/5, हमने केवल एक को हल किया, हम दोनों हल क्यों करें? 1/5 कौन से हैं? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सी डी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कभी भी सवाल आए ना तो तुम ये मत सोचो कि हम पूरे को हल करें, नहीं, जब हमको एक से ही उत्तर का पता लग रहा है कि इसको हल करने पर 1/5 आएगा, तो 1/5 हम देख ही लेंगे कौन से में, ऑप्शन ए में है,
तो पूरे सवाल को करके देखने की जरूरत नहीं। तुम क्या करते हो, ये वाला मत देखो, ये वाला देख लो, x का मान कितना है, चार रखो, चार ऊपर चार का है, चलो बटे में चलते हैं, x माइनस वाई, x का मान कितना है चार, माइनस वाई का मान कितना है पांच, कितना बचा माइनस के एक, तो चार बटे माइनस एक, कौन सा सही लग रहा है बताइए, कौन सा है, ऑप्शन ये है, इसके नीचे एक भी तो मान सकते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा, ये सही होगा, केवल एक में किसी में रख दो उससे क्या मिल जाएगा, हमको उत्तर मिल जाएगा। चलो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं अगले सवाल पर, सी में लैंग्वेज वाले में। ये तो दोस्तों बिल्कुल इजीजी सवाल है, इसके बाद जो सवाल आने वाले हैं बहुत शानदार सवाल आने वाले हैं, भाषा वाले सवाल ही आने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखे रुके रहे, है ना, समझना है हमको कि भाई सवाल करने कैसे हैं। और एक बात और बता दें, अभी हम ऑप्शन से पढ़ रहे हैं, इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ ट्रिक जिन्हें कहते हैं शॉर्ट ट्रिक कहते हैं ना, वो शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, लेकिन वो लैंग्वेज वाले सवालों को शॉर्ट ट्रिक हम जब बताएंगे जब तुमको मेथड आता होगा, कि शॉर्ट ट्रिक के बेस पे तुम एक सवाल कर लोगे दो सवाल कर लोगे, वो वहां एग्जाम में क्या होता है सवाल की लैंग्वेज बदलता है, तो हमको उसके जड़ तक जाना है कि इसका बेसिक क्या है, तो बेसिक तक जाओगे तो सवाल कर लोगे। हम क्या करते हैं कि सवाल में 1% दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, बिल्कुल हम भी बताएंगे वो, लेकिन उसके अलावा हमको ऑप्शन से भी पता होना चाहिए। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं, बहुत शानदार सवाल है, किसी विद्यालय के कुल विद्यार्थियों का, किसी विद्यालय के कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, 60% क्या है, लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या हमको दे रखी हो 972 हो तो लड़कों की संख्या बताओ, हो तो लड़कों की संख्या भाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ऑप्शन एक बार आपके सामने लिख देते हैं, ऑप्शन ए है 1258, ऑप्शन बी है 1458, ऑप्शन सी है 1324 और ऑप्शन डी है 1624। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं, एक बार मेथड बताएं फिर शॉर्ट ट्रिक पर चलें। चलो एक बार मेथड बताते हैं, किसी विद्यालय के कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, ठीक है, अगर हम इसको मेथड से करें तो मेथड से हम यही करेंगे कि भाई हमने मान लिया यार कुल विद्यार्थी कितने हैं x, तो इसमें से लड़के कितने हुए, x में से लड़के कितने हुए, कितना परसेंट, 60%, x गुना 60/100 ये हो गए लड़के, इसको लिख देंगे हम 6x/10 ये हो गए लड़कों की संख्या, हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल। अब वो कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या 972 हो, अब एक बात बता, जो कुल छात्र x हैं जिनमें से इतने लड़के हैं, अगर मैं कहूं कुल छात्र 100 हैं, 100 में से 60 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची, 40 ही बची, ऐसी तो करेंगे, तो हमने देखा 100 में से 60 घटाया, अगर वो लड़कियां हमको निकालनी हो तो लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल विद्यार्थियों में से किसके लड़कों की संख्या घटा देंगे, 6x/10 घटा देंगे, और क्या आ जाएगी वो लड़कियों की संख्या जो कितनी दे रखी है हमको 972, यहां आएगा 10x में से 6x गए तो 4x, आगे लिखते हैं, चलो आगे लिख देते हैं, 4x = 972, 10 का गुणा कर दो, एक जीरो और लगा दो, 4 से काट देते हैं सीधा सीधा ही, x = 9720/4, 4 × 8 = 16, 4 × 3 = 12, 2340 किसका मान आ गया दोस्तों, x का मान का मतलब क्या है, ये कुल विद्यार्थी कितने हैं अपने पास, 2340 है कुल विद्यार्थी, लेकिन हमसे वो क्या पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, सही सॉरी लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी थी, 6x/10, x का मान रखो इसमें आ जाएगा, क्या रखेंगे 6, x का मान कितना है 2430/10, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 6 का गुणा करो, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24 और 1 = 25, 6 × 12 = 14, 1458 क्या है लड़के, ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा। लेकिन दोस्तों एक बात और आपको बता देते हैं, मैंने क्या बताया था, अपन मेथड भी बताएंगे केवल एक सवाल का, कि मेथड सवाल को करते कैसे हैं, उसके बाद अपन करेंगे अपने तरीके से ऑप्शन से, ये मैंने मेथड बताया था जिनको मेथड चाहिए, अगर अपन ऑप्शन से सवाल को उड़ाते तो कैसे उड़ाते। वो कह रहा है किसी विद्यार्थी, किसी विद्यालय के
कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, कुल विद्यार्थी 100 ही तो होंगे, 100% जिसमें से जब 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी बताओ, तो लड़की घर लिख दे 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई तुम ही बता दो, 40% हुई या नहीं हुई, हुई एक बार मिटा दे बताओ, एक बार स्क्रीनशॉट ले रहा हूं ना, तो मिटा के शॉर्ट ट्रिक बता दे, जब स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, एक बार मिटा के इसकी शॉर्ट ट्रिक से करवाते हैं सवाल, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें, चलो शॉर्ट ट्रिक करते हैं। मैं कहूं कि भाई जब 60% लड़के हैं, हम कहें कि भाई लड़के कितने हैं 60% हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, तो लड़कियां कितनी होंगी 40% होंगी, ये तो निश्चित है। अनुपात कितना आएगा अगर देखें तो, वैसे सीधा सीधा 6:4 आएगा, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आएगा 6:4, और भी हम इसको आसानी से काट सकते हैं, या तुम ये कह सकते हो 3:2 आएगा, 3 जो अनुपात है वो किनका है लड़कों का, 2:1 किनका है लड़कियों, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो लड़कों का अनुपात होगा और ये लड़कों की संख्या है, तुम बताना इससे अनुपात कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा ना भाई। मैं कहूं कि भाई लड़कों की संख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक है, लेकिन 3 में 2 का गुणा करो, 2 में 2 का गुणा, अगर मैं 10 का गुणा करूं तो कितने लड़के लड़के हो जाएंगे 30, या 10 का गुणा करो कितने हो जाएंगे 20, 30 और 20 3:2 ही आएगा। इसका मतलब जो ये हमको लड़कों की संख्या दे रखी है ये 3 से पूरी पूरी कटेगी कि नहीं कटेगी, बिल्कुल कटेगी, देखो ना कौन सा ऑप्शन कटता है 3 से, 8 और 5 13, 13 और 2 15 और 1 16, 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, हटाओ, 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10 गलत, 6 और 1 7 2 9 और 4 13 नहीं कट रहा, ऑप्शन बी, 8 और 5 13 और 4, 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 1 18, 3 से कट रहा है, ऑप्शन बी सही होगा, सवाल को करने की जरूरत ही नहीं थी, हमको केवल क्या देखना था लड़के और लड़कियों का अनुपात, हमको केवल एक लाइन देखनी थी, यदि लड़के 60 है तो लड़कियां कितनी होंगी 40 होंगी, 6:4 आ रहा है तो 6 से कौन संख्या घट रही है, 6 से 1 संख्या घट रही है, ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगर वो पूछता लड़कियों की संख्या तो संख्या किससे घटनी चाहिए थी, 2 से घटनी चाहिए थी, अगर वो पूछता कुल विद्यार्थी तो संख्या किससे घटनी चाहिए थी, 5 से घटनी चाहिए थी, कौन सा जो ऑप्शन सही होगा वो, तो यही चीज हमको समझनी है, हमको सवालों पर यही ध्यान देना है। सीधा अगर अनुपात हमने निकाल लिया तो वो लड़के कह रहा है कि 3:1 में है, तो अनुपात 3 है तो लड़कों की संख्या भी तो 3 से कटेगी, अगर लड़कियां 2:1 में है तो ये संख्या भी तो 2 से कटेगी, अगर कुल विद्यार्थी अनुपातों में 5 है, ऑप्शन हमको कुल विद्यार्थी दे रखे तो संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, बिल्कुल कटेगी। तो दोस्तों ये है शॉर्ट ट्रिक करने की, सवाल को देखते पढ़ लेना है, 6 और 4, 6 से कौन सी कट रही है, ये कट रही है, हटाओ ऑप्शन बी, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, भाषा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है दोस्तों। चलो एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं अगले सवाल पर, बहुत मजा आने वाला दोस्तों सवाल करने में, ऑप्शन वाला तरीका मेथड आप सबने पढ़ रखा है, लेकिन अपन ऑप्शन से सवालों को करना सीखेंगे, ऑप्शन से सवालों को उड़ाना सीखेंगे, बहुत शानदार तरीके से सवालों को करेंगे। चलो दोस्तों अगला सवाल लेते हैं, हाँ ये बच्चा सवाल है, यदि विद्यालय संबंधित सवाल है ना, लिख देते हैं, यदि कुल विद्यार्थियों का या कुल छात्रों का लिख देते हैं, यदि कुल छात्रों का 70% लड़कियां हो, कुल छात्रों का 70% लड़कियां हो और लड़कों की संख्या, और हमको दे रखी है कि भाई लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या वहां हो 510, तो कुल विद्यार्थी बताने हैं भाई कुल छात्र कितने हैं, लड़कों की संख्या 510 है तो कुल छात्र बताने हैं, ऑप्शन ए है 850, ऑप्शन बी है 1700, ऑप्शन सी है 1830 और ऑप्शन डी है 1900। चलो दोस्तों लगाइए दिमाग, हमको बताना है इनमें से कि कुल छात्र कितने होंगे, तो दोस्तों अपन डायरेक्ट तरीके से करें, बिल्कुल सर डायरेक्ट उसी तरीके से करते हैं, एक चीज हमको बताओ, यदि छात्रों का कुल छात्रों का 70% लड़कियां हैं, मैं कहूं डायरेक्ट लिखूंगा गर्स लिख देते हैं, चलो जी से लिख देते हैं, लड़कियां कितनी हैं 70 तो लड़के कितने होंगे 30, सही तो करने कितना आया 7:3 आया, नहीं आया बिल्कुल आ गया सर, लड़कों की संख्या कितनी है 51, लड़कों की संख्या कितनी है 51, अनुपात में लड़के कितने हैं 7,
तो 7:1 किसके बराबर, 51 के बराबर, सॉरी 510 के बराबर। यहां से 1:1 का मान निकाल लो, कितना आएगा 7 7 49, कितना बचा 4 और 0 नहीं 49, अच्छा सॉरी इसको क्यों काट रहे अपन, 70 नहीं, वो क्या दे रखी है उसमें, यह आ गया 7 और 3, इसका आ गया अनुपात 7, इसका आ गया अनुपात 3। लड़कों की संख्या दे रखी कितनी 510, अनुपातों में 3 वैसे कितनी है 510, काटो 3 एकम 3, कितना बचा 2 1 3 7 21, 170। ये किसका मान आया है हमारा, 1:1 का मान आया है, कितना 170। और एक बात बताओ, जब 170 1:1 का मान है, 170 जब 1:1 का मान है, तो एक बात बताओ लड़कों की संख्या कितनी होगी, कितना बढ़ाना है, 2 0 और बढ़ानी है, कितना कर दो 30 कर दो, कितना जाएगा 170 के हिसाब से देख लो कौन सा अनुपात सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, कितना 1700 सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। 1:1 का मान निकालो, कुल अनुपात कितना होता है 100, 30 बराबर 17 बार कटेगा और 1:1 बराबर 100 के कुल लड़के कितने अनुपात में होते हैं 100:1, तो कितना आ जाएगा 1700। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा। अगर डायरेक्ट हम सवाल को करते तो डायरेक्ट कैसे करते हैं भाई, जब लड़कियों की संख्या 70 दे रखे तो कोई मतलब नहीं है, लड़के कितने बचे 30 बचे, लड़के जब 30 बचे तो अनुपात 3 आएगा, तो 3 से तुम ये देख लो 510 कितनी बार कट रहा है, 17 बार कट रहा है, नहीं कट रहा 17 कौन से में, 2 0 लगाने के बाद ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा डायरेक्ट। अब एक्स मानने की यहां कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार एक्स के साउंड ले ले जल्दी से, फिर चलते हैं अगले सवाल पे। अगला बहुत शानदार सवाल है, अच्छा सवाल आने वाला है, अगला सवाल है बहुत अच्छा सवाल है ना, दिन के आय के रूप में सवाल है, तो आय का सवाल करते हैं। अगला सवाल आय का सवाल आने वाला है, बहुत ही अच्छा सवाल है, चलो ये लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का साथ साथ लिखते चला करो तुम, है ना, 66.2/3% खर्च करता है, आया हुआ सवाल है दोस्तों ये ना, 66.2/3% खर्च करता है और 1200 रुपए प्रति माह बचाता है, कितने की बचत करता है 1200 रुपए प्रति माह बचाता है, तो उसका खर्च कितना है, तो उसका खर्च बताना है कि प्रति माह वो कितना खर्च करता है। ऑप्शन आपके सामने एक बार लिख देते हैं, ऑप्शन ए है 850, नहीं सॉरी दूसरे को ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है 1200, ऑप्शन बी है 2400, ऑप्शन सी है 3000 और ऑप्शन डी है 3200। बहुत शानदार सवाल है दोस्तों, एक बार देखते हैं सवाल को, देखो अगर व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, अगर मैं ये हूं ये संख्या ऐसी नहीं होती, मैं ये कहता एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है, तो तुम बताओ कितना बचाता है, 60% बचाता है, कैसे निकाला 100 में से घटा कर निकाला। अगर मैं कहूं एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है तो बचाता कितना है, तुम क्या हो साहब 100 में से घटा लो, तो 100 में से घटाने से पहले इसको पहले मिश्रभिन्न बदल हल करते हैं, इसकी जो उसका खर्च है वो कितना है, 66.2/3% चलो हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं परसेंटेज लगा रहने दो, 66 198 2 कितना हो गया 200/3% वो क्या करता है दोस्तों खर्च करता है, कितना खर्च करता है 200/3% वो खर्च करता है। अगर परसेंटेज को हम हटाएं, बटे में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ 2/3 वो क्या करता है खर्च, 2/3 क्या करता है खर्च। अब तुम बताओ प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है ना, जब 2/3 खर्च करता है तो बचत कितने की करेगा, तो किस में से घटा दे 100 में से मत घटा के एक में से घटा दो ना, तो एक में से 2/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/3 की क्या करता है वो बचत करता है, वही बात हुई, जब वो 2/3 खर्च करता है तो बचाता कितना 1/3 बचाता है। या तुम ऐसे करके देख लो 100 में से 200/3 घटा के देख लो क्या आएगा 100/3 आएगा, लेकिन परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज बदलनी है,
जब वो इतना खर्च करता है, इतना बचाता है, लेकिन वो वास्तव में कितने रुपए बचाता है? 1200 रुपए बचाता है। बचा अनुपात में कितना रहा है? 1/3। वैसे कितने रुपए बचा रहा है? 1200 रुपए बचा रहा है। तो 1:1 का मान कितना जाएगा? 3600। 1:1 का मान कितना आ गया? 3600। सवाल में पूछा क्या था? उसका खर्च कितना है? तो उसका खर्च का अनुपात कितना है? 2/3। जब 1:1 का मान 3600 है तो 2/3 का मान कितना होगा? गुना कर दो, 3600 × 2/3, ये कितनी बार कट जाएगा? 1200 बार, 12×2=2400। इसका मतलब वो कितने रुपए बचा रहा है? 2400 रुपए बचा रहा है। बताओ क्या दिक्कत है इस सवाल में? कोई परेशानी आई क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एक सवाल को इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, दूसरा तरीका बताते हैं आपको सवाल करने का, एक और अच्छा तरीका बताते हैं। उसमें देखो दोस्तों चक्कर क्या होगा, अगर अपन दूसरे तरीके से करें, दूसरे तरीके से हमको ये बात, एक बात ये पता है कि वो हमसे पूछ रहा है उसका खर्च कितना है, उसका खर्च अनुपात में कितना आया है? 2/3 आया है। अनुपात में कितना आया है? 2/3 आया है। इसका मतलब जो उसका खर्च यहां होगा वो निश्चित है कि दुगुना हो रहा होगा और 3 से कट रहा होगा। तुम ये सोचो, 3 से 1200 कट रहा है? बिल्कुल कट रहा। 2400 कट रहा है? ये कट रहा। एक ऑप्शन अपना क्या हो गया? गलत हो गया, वह नहीं हुआ। अब जब 3 से कट गया तो दुगुना और उसका हो रहा है, तो दुगुना सबका हो रहा है। 1200 कितना होगा? 600। 3 × 600 कटेगा। तो थोड़ा सा हमको दिमाग ये लगा कर चलना है कि ऑप्शन से सवाल को कितनी जल्दी हम हल कर सकें, ऑप्शन से सवाल को कितनी जल्दी हल कर सकें। एक तरीका जो मैं कह रहा था वो तरीका अपना ये होने वाला है, उसकी बचत 1/3 थी, खर्च 2/3 था। अगर मैं कहूं खर्च बचत का, तुम अनुपात बताओ मेरे को, खर्च का और बचत का अनुपात, तो तुम कहोगे साहब 2/3 / 1/3। ऐसे लिख देते हैं, खर्च है 2/3 और बचत है 1/3। लेकिन अगर मैं अनुपातों की बात करूं तो वास्तव में अनुपात कितना है? 2:1 कह सकते हैं। अनुपात कितना होगा? 2:1 होगा, अगर उसका अनुपात देखे तो। हमसे क्या पूछ रहा था? उसका खर्च कितना है? खर्च 2:1 में होगा, और 2:1 में कितना होगा? इनमें से होगा। अब तुम बताओ, खर्च उसका 2400 है, तुम सोचो खर्च जब वो 2 कर रहा है तो 1 बचा रहा है। जब वो 2400 कमाएगा, खर्च करेगा, तो कितने बचाएगा? 1200 बचाएगा। सवाल तो यही तो है, 1200 × 2400। आया नहीं आया? थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। जब वो खर्च दुगुना करेगा तो आधा तो बचाएगा, नहीं बचाएगा। जब वो 1200 खर्च, तुम बताओ जब 1200 बचाता तो कितना खर्च करेगा? 2400 करेगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, सवाल में काय मानने की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों ऐसी ट्रिक के साथ और अपनी शानदार वीडियो, अगली जो क्लास होगी वो भी परसेंटेज की होगी और उसमें थोड़े लेवल के सवाल लेने वाले, चुनाव वाले सवाल आते हैं जिनमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है, परीक्षा वाले सवाल आते हैं जिनमें कहीं की दिक्कत आती है, लैंग्वेज वाले सवाल लेंगे, भाषा के सवाल लेंगे, बहुत अच्छे से सवाल करवाने वाले हैं। बिल्कुल अपन ऑप्शन से पूरी मैथ को पढ़ने वाले हैं। शेयर करो, कमेंट जरूर करना कैसी लगी, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को शेयर तो कर दो। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।